बीती रात बनारस में फिर से मनबर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। देर रात पूर्व डीआईजी सभाजीत सिंह के बेटे बिल्डर बलवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस प्रशासन पर फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल हत्या की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। बलवंत सिंह को गोली लगने की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। गोली लगने के बाद बलवंत सिंह को एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि बलवंत सिंह को उनके पार्टनर पंकज चौबे के द्वारा गोली मारने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पंकज चौबे की तलाश कर रही है। ये सारनाथ थाना क्षेत्र में पहाड़िया में एक ये बिल्डर है बलवंत सिंह, ये आज अपने पार्टनर है उनके यहाँ पे गए थे रामगोपाल सिंह, वहाँ पे इनकी आपस में कुछ पार्टी वार्टी होना भी संज्ञान में आया है। उसके बाद ये जब बाहर निकल रहे थे तो उसी बीच इनके साथी भी कुछ इनके साथी बाहर आए थे, तो उसी बीच एक इनका जो पार्टनर है उसके द्वारा ही इनको गोली मारने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक इसमें इस संबंध में जो है परिवारजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है, उनके तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी की। ये घटना इनका जो कहना है कि वहाँ पे जब ये पार्टी में बैठे हुए थे उसी बीच इनका आपस में कुछ वाद विवाद हो रहा था, दिवाली के जो भी चीज़ें हैं मिठाई विठाई किसको देनी है और किसको नहीं देनी है, इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी और विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर इसमें घटना होना पता चला है। इस संबंध में और जाँच करके कार्रवाई की जाएगी।